Hello, students. I am your science teacher. Hope you all are fine. Now, we will start our new chapter, Chapter 4 Animal Feeding Habits. So, in this chapter, we shall learn about the animals and their feeding habits, that is, eating habits. How do we categorize different animals according to their eating habits, that is, herbivorous animals, carnivorous animals, omnivorous animals, all these? Different types of categories of animals we will discuss in our chapter. Now, let's begin the chapter. Chapter 4 Animals Feeding Habits. So, students get a start. Make a list of four street animals and the food they eat from their surroundings. Now, you can observe the street animals and their food items that they eat. You can fill it here, names and their food. So, uh, first is cow. बच्चों क्या ईट करती है काव तो वैसे ग्रास ईट करती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रास नेक्स्ट इज बच्चों डॉग क्या ईट करता है डॉग चपाती ईट करता है रोटी नेक्स्ट इज हम लिख सकते हैं कैट कैट को क्या पसंद आता है मिल्क फोर्थ में हम फिल कर सकते हैं बुफेलो

तो so स्टूडेंट्स आप सभी को पता है लिविंग बींग्स को फूड की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए ज़िंदा रहने के लिए फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर पाते हैं और ग्रो करते हैं एनिमल्स अपने लिए फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते ना ही ह्यूमन बींग्स अपने लिए फूड को खुद ही ग्रो कर पाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड आइटम्स के लिए फूड प्रोडक्ट्स के लिए बच्चों हम क्या करते हैं या तो हम प्लांट प्रोडक्ट्स ईट करते हैं या एनिमल्स सोर्सेस से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो ईट करते हैं वैसे ही एनिमल्स क्या ईट करते हैं कुछ एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट्स ईट करते हैं या कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को किल करके ईट करते हैं हमने उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है नाउ स्टार्ट विद द कैटेगरी हर्वी वोर्स एनिमल्स डेट फीड ऑन प्लांट्स एंड दियर प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्बी एनिमल्स बट जो एनिमल्स प्लांट्स को ईट करते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं उन्हें हम हारबिवर्स एनिमल्स कहते हैं जस्ट लाइक काओ हॉर्स जिराफ एक्सेट्रा आर हार्बी नाउ हेयर इज द इमेज कार्स एंड जिराफ नाओ स्टूडेंट लेट्सिंग फैक्ट हारबिवोर्स हैव ब्रॉड बैक टीथ विद लार्ज एन इवन ग्राइंडिंग सरफेसि दिस हेल्प देम टू चू एंड ग्राइंड दियर फूड हार्बिवोरस जो एनिमल्स होते हैं बच्चों उनके बैक टीथ बड़े होते हैं क्योंकि उनका ग्राइंडिंग सरफेस होता है क्योंकि वो ग्रास ईट करते हैं जिससे कि उनकी ग्राइंडिंग पावर अच्छी होती है और वो फूड को ग्राइंड करके ईट करते हैं नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज कार्निवोर्स एनिमल्स डेट फीड ओनली ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स टाइगर्स लायंस फॉक्सिस एक्सेट्रा आर कार्निवोर्स

जो एनिमल्स प्लांट्स प्रोडक्ट भी ईट करते हैं और दूसरे एनिमल्स की फ्लेश को भी ईट करते हैं जो प्लांट ईटर और फ्लेश ईटर दोनों होते हैं उन्हें हम ओम कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज बियर यानी भालू रात एंड मंकी नेक्स्ट कैटेगरी स्केवेंजर्स स्केवेंजर्स आर एनिमल्स डेट लिव ऑन डेड एंड डिकिंग फूड वर्ल्चर्स एंड हाइनास और स्केवेंजर्स स्केवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो डेड डिकिंग मैटर होता है उसे ईट करते हैं यानी जो एनिमल्स डेड हो चुके होते हैं प्लांट्स डेड हो चुके होते हैं वो ही मैटर को ईट करते हैं उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं इन्हें हम इन्वायरमेंटल क्लीनर भी कहते हैं ये हमारे एन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेजेस वर्ल्चर एंड हाइना नाउ बिकम पैम्प एंड दिस एक्सरसाइज put each of the following in the suitable category now students you can categorize each of the animal in the following columns herbivores carnivores and omnivores let's start with cow cow is a grass eating animal comes in the category of herbivores next lion lion is carnivore bat bat is comes in omnivore squirrel comes in herbivore next horse horse comes in herbivore next leopard leopard comes in carnivore snake snake comes in carnivore rabbit rabbit comes in omnivore and uh, beer is also comes in omnivore

Instead, they have a gum pad that helps them to eat leaves and grass. Herbivores जैसे cow हो गए goat हो गए या deer हो गए उनके बच्चों front teeth तो होते नहीं upper jaw में फिर वो कैसे food को eat करते कैसे grind करते हैं बच्चों उनके gum pad होते हैं जिसके through वो क्या करते हैं पत्तियों को खा पाते हैं grass यानी घास फूस चीजों को खा पाते हैं They quickly swallow their food while grazing. आपने देखा होगा जो भी हार्बिवोर्स एनिमल्स होते हैं सारा सारा का फ़ूड सारा आइटम अपना वो एक साथ स्वेलो कर लेते हैं टू दियर माउथ देन दे यू इट देयर ग्राइंडिंग टीथ दिस इज कॉल्ड चूइंग कर्ड एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल्स और ह्यूमिनेंट्स बच्चों फिर वो क्या करते हैं वो सारा फूड आइटम एक साथ स्वेलो कर लेते हैं स्टमक में फिर जब वो रेस्ट करते हैं उस वो स्वेलो आइटम को अपने माउथ में दोबारा लेके आते हैं फिर वो उस कर्ट को च्यू करना स्टार्ट करते हैं इसलिए हम उसे क्या कहते हैं च्यूइंग दिक्ड एनिमल्स या र्यूमिनंट्स भी कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स एनिमल्स लाइक रैबिट एंड स्क्वरल्स हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ दिस टीथ हेल्थ डेम टू ब्रेक ओपन नर्स सीड्स एंड फ्रूट्स विच डे ईट दिस टाइप ऑफ टीथ आर नोन एज नोइंग टीथ कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके फ्रंट टीथ बहुत शार्प होते हैं जो वो हार्ड से हार्ड सीट या नट या क्रैक किसी को भी क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं और ईट कर सकते हैं फ्रूट्स जो होते हैं जिनकी हार्ड शेल होती है वो आसानी से उसे ईट कर पाते हैं आपने देखा होगा जैसे खरगोश होता है गिलहरी होती है वो कितने की मजबूत की मजबूत चीज़ों को आसानी से खा सकते हैं इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं नॉइंग एनिमल्स या नोइंग टीथ एनिमल्स नाउ स्टूडेंट्स एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक इट यूज इट्स टू ब्रेक

बच्चों आपको पता है जो हारबीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके के नाइन टीथ तो होते ही नहीं अभी हमने समझा था कि उनके अपर जॉज में फ्रंट टीथ नहीं होते वो किसके थ्रू क्या उसके गैप को क्या कहते हैं बच्चों गम पैड में जो गैप होता है उसे हम डायस्टेमा कहते हैं नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम कार्निवोर्स सम कार्निवोर्स लाइक लायंस टाइगर फॉक्सिस एंड वॉल्व यू फ्लैश एंड बोन्स सो दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कफ फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लैश दे ऑल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट दी बैक ऑफ देअर माउथ बट जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे लाइक लायन टाइगर फॉक्स वो क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को ईट करते हैं तो उनकी तीथ कैसे होने चाहिए शार्प टीथ होते हैं उनके पॉइंटेड नोकीले तीथ होते हैं और उनके फ्रंट टीथ कव्ड होते हैं आगे से मुड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी एनिमल की फ्लैश को ग्राइंड कर पाते हैं नाओ कार्डिट है स्वेलो दियर होल प्रे आपने पता है कि जो सांप होते हैं स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने पूरे ही प्रे को शिकार को पूरे को पूरे स्वेलो कर लेता है क्योंकि उसके तीथ नहीं होते जिसकी वजह से वो उसे ग्राइंड नहीं कर पाता नेक्स्ट कार्निवर्स सच एज फॉक्स लिजर्ट्स एंड चाम लॉन्ग एंड स्टिकी टे फ्लिक आउट दियर टंग्रे वॉट दे क्विकली रोल बैक दियर टंगयर माउथ कार्निवर्स जैसे फ्रॉक लिजर्ट्स या चामलीओं जो गिरगिट होते हैं उनकी टंग कैसी होती है लॉन्ग लंबी होती है स्टिकी होती है वो क्या करते हैं अपने शिकार को अपने टंग पे स्टिक कर लेते हैं फिर उसे कॉट करने के बाद अपनी टंग को रोल आउट कर लेते हैं अपने माउथ में इस तरीके से वो अपने फूड आइटम को ईट करते हैं नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन डज अ फ्रॉग नीड टीथ वाई और वाई नॉट आपको पता है कि फ्रॉग को टीथ की जरूरत होती है फ्रॉक के तीत नहीं होते फ्रॉक की एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जो उसे इंसेक्ट्स को काच करने में प्रे को काच करने में मदद करती है इसलिए उसे तीत की नीड भी नहीं होती नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स आर टूगेदर कॉल्ड चीक तीथ बच्चे जो मोलर्स और प्रीमोलर्स तीत होते हैं उन्हें हम चीक तीत कहते हैं नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल फीडिंग हैबिट्स ऑफ ओमनीवोर्स ओमनीवोर्स हैव शार्प लाइक कार्निवोर्स एंड ऑल्सो हैव फ्लैट थीथ लाइक हारबिवोर्स दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इन सी टू पाइट दी फूड सो स्टूडेंट जो ओमनीवोर्स होते हैं उनके शार्प ट्रीथ होते हैं और बच्चों जो ऐसे कार्निवोर्स के होते हैं ओमनीवर्स की कैटेगरी कौन सी होती है जो हार्बिवोर्स और कार्निवोर्स दोनों ईट करते हैं तो हमारे ओमनीवोर्स की कैटेगरी के, के तीत कैसे होते हैं शार्प टीथ होते हैं जो और फ्लैट टीथ होते हैं हार्बिवोर्स की तरह तो जो उनके शार्पन तीत होते हैं उसे हम इंसाइसर्स कहते हैं जो फूड को बाइट करने में उनकी हेल्प करते हैं दे हैव पॉइंटेड कैनाइंस फॉर ग्रिपिंग एंड टीयरिंग फूड दे हैव लार्ज एंड फ्लैट बैक टीथ कॉल्ड मोलर्स एंड प्री मोलर्स फॉर क्रशिंग फूड इन टू स्मॉल पीसेस बच्चे जो पॉइंटेड कैनाइंस होते हैं जिसके थ्रू वो फूड को टीयर कर पाते हैं यानी फ्लैश को ईट कर पाते हैं और जो लार्ज और फ्लैट ब्लैक बैक टीथ होते हैं उसे मोलर्स कहते हैं और प्री मोलर्स उसकी हेल्प करते हैं फूड को क्रश करने में स्मॉल पीसीस में यानी वो प्लांट भी ईट कर पाते हैं और फ्लैश भी ईट कर पाते हैं अपने दोनों कैटेगरी ऑफ टीथ की वजह से नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज स्पेशल फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स A mosquito has a sharp hollow tube in its mouth. It stabs you with its and sucks your blood in the same way as you drink you using a straw. आपको पता है जो mosquito होता है वो उसकी sharp hollow tube होती है mouth में जो क्या करती है blood को suck करने में help करती है जैसे आप सब क्या करते हैं straw से drink को suck करते हैं उसी तरीके से mosquito क्या करता है blood को suck करता है बटरफ्लाई अ लॉन्ग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बटरफ्लाई की भी एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे प्रोबोस्किस कहते है जो के रस को सक करने में उसकी हेल्प करती है नेक्स्ट इज एनिमल हाउ एवर दे सॉलिड फूड दे ईट जो एनिमल्स जैसे कैट डॉग होते हैं वो क्या करते हैं लिक करते हैं मिल्क को मिल्क को लिक करते हैं और वो क्या करते हैं फूड को भी च्यू कर सकते हैं नेक्स्ट

पेस्ट और रॉ पिक्चर्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स इन योर नोटबुक नाउ स्टूडेंट्स यू कैन डू दिस एक्टिविटी फर्स्ट इज एनिमल्स डेट स्वेलो दियर फूड जो एनिमल्स अपने फूड को स्वेलो करते हैं आप उनकी पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं ड्रॉ भी कर सकते हैं डिट इज अ स्नैक एनिमल्स डेट ग्राइंड फूड विद टीथ बच्चों जो एनिमल्स फूड को ग्राइंड करते हैं जस्ट लाइक काउ आप पेस्ट भी कर सकते हैं ड्रॉ भी कर सकते हैं एनिमल डेट नोस दियर फूड जो एनिमल्स फूड को नॉइंग करते हैं यानी कि राबेट स्क्वायरल जो हमारे हार्ट से हार्ट शेल्स को भी क्रैक कर सकते हैं नेक्स्ट इज फूड चेन लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड ऑल एनिमल्स फीड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स एंड इन टर्न बिकम फूड फॉर अदर एनिमल्स दिस इज शोन थ्रू अर फूड चेन इन एनी फूड चेन अ प्लान्टज एट दर्स्ट लेवल दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूज देअर ओन फूड नाउ स्टूडेंट्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए जो एक एनिमल है दूसरा एनिमल उसे ईट कर रहा है या हम कह सकते हैं कि एनिमल्स जो है प्लांट को ईट कर रहे हैं और दूसरा एनिमल्स एनिमल्स को ईट कर रहे हैं इसी तरीके से जो एक एनिमल है वो दूसरा एनिमल का क्या है फूड है तो यही हमारा चेन चलती रहती है इसी को हम चेन को क्या कहते हैं फूड चेन कहते हैं जहाँ पे कि एक एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो हमारा इसमें फर्स्ट लेवल में क्या कौन से प्रोड्यूसर्स आते हैं प्लांट प्लांट क्या करते हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं फूड और कोई भी लिविंग बींग नहीं है जो खुद के लिए फूड प्रिपेयर कर पाए इसलिए प्लांट को हमने टॉप लेवल फर्स्ट स्टेज पे रखा है जिसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं नाउ इन द गिवन फूड चेन अ ग्रास ओपर इज ईटिंग अ प्लांट देन इट इज ईटन बाय अ फ्रॉग एंड द फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नेक स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल इस फूड चेन में आपको शो कर रखा है सबसे पहले हमारे क्या आ गए ग्रास आ गया नाउ ग्रास क्या है हमारे प्रोड्यूसर्स है ग्रास को ग्रास ओपर ने ईट करा नाउ ग्रास ओपर को फ्रॉग ने ईट करा फ्रॉग को स्नेक ने ईट करा स्नेक को हॉक ने ईट करा एंड लास्ट जो हॉक का डेड रिमेंस थे आफ्टर द डाइंग इट्स डिकिंग मैटर मिक्स अप विद द दॉयल एंड द फंगाई फंगाई ने क्या करा इसके डेड डिकिंग मैटर को सॉयल में मिक्सअप कर दिया फिर वहाँ से दोबारा ग्रास ग्रो हुई तो इसी तरीके से हमारी फूड चेन चलती रहती है जिसमें कि हमारा क्या होता है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए नाउ स्टूडेंट्स लेट सीन यू वर्ड फर्स्ट वर्ड इज हार्बिवोर मीनस अ प्लांट ईटिंग एनिमल जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं उन्हें हम हार्बिवोर्स कहते हैं कानीवर्स मीन्स अ फ्लैश ईटिंग एनिमल जो दूसरा एनिमल्स की फ्लैश को ईट करते हैं ओमनीवोर्स मींस एन एनिमल डेट ईट बोहोत प्लांट्स एन एनिमल्स जो एनिमल्स प्लांट ईटर और फ्लैश ईटर दोनों होते हैं उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं कट मीन्स द फूड डेट काउज एंड सिमिलर एनिमल्स ब्रिंग बैक फ्रॉम दमक इन टू दाउथ टू च्यू इट कट बच्चो जब हम पूरा का पूरा फूड को स्वेलो करके माउथ में रख लेते हैं माउथ से, से स्टमक में लेके जाते हैं फिर वापस स्टमक में दोबारा माउथ में आता है च्यू करने के लिए उन्हें हम कट कहते हैं और ये यूमिनेंट्स करते हैं नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड सच एज ट्रीज श्रब्स ग्रास एलगीचेंस वीड एंड सम बैक्टीरिया प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने लिए फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं जस्ट लाइक ट्रीज श्रब्स एंड ग्रास नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अर्चरल फर्स्ट पॉइंट एनिमल्स टाइदर ईड प्लांट्स और अदर एनिमल्स एनिमल्स जो होते हैं या तो प्लांट ईट करते हैं या दूसरे एनिमल्स को टाइगर्स लाइन फॉक्सिस एक्सेट्रा आर कार्निवर्स बच्चों कुछ हमारे कार्निवोर्स होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं एलिफेंट सक्स वाटर विद इट्स ट्रंक एलिफेंट जो होता है अपने ट्रंक से वाटर को सक करता है यानी सूंद की मदद से ट्रॉस एंड डिजर्ट्स हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग्स फ्रॉग और लिजर्ड की स्टिकी टंग होती है जो उसके प्रे को कैच करने में उसकी हेल्प करती है कैट्स एंड डॉग्स लैप ऑफ वाटर और मिल्क विद दियर टंग्स कैट्स और डॉग्स क्या करते हैं मिल्क या वाटर को लैपिंग करते हैं स्नेक्स वेलो दियर होल प्ले क्या करता है अपने शिकार प्रे को पूरा का पूरा निगल लेता है स्वेलो कर लेता है नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम लेट्स एक्सरसाइज ए राइट करेक्ट ऑप्शन नाउ यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट एंड चूज द राइट वन आ बीयर इज आ बियर क्या है सी इज द राइट आंसर

नेक्स्ट दिस एनिमल नॉज इट्स फूड कौन सा एनिमल है जो फूड को नॉइंग करता है गोच या राट, राट. बच्चों कौन सा इसमें इसमें से नहीं नहीं है? शीप, जिराफ या नहीं है. या आपको फिलअप्स करने dash फर्स्ट इज upper jaw डेट helps them टू eat leaves एंड ग्राफ्स बच्चों जो काओ गोट और डियर होते हैं क्या होते हैं उनके हाफ फ्रंट टीथ फ्रंट शार्प टीथ इंडियन अपर जॉ नेक्स्ट एनिमल्स लाइक डेश एंड डेश हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ बच्चों किन एनिमल्स के वेरी शार्प फ्रंट टीथ होते हैं रैबिट्स एंड माइस डैश डू नॉट हैव च्यूइंग टी टू टियर और च्यू द फ्लैश बच्चों किसके च्यूइंग टी नहीं होते टियर या च्यू करने के लिए फ्लैश को स्नेक इसलिए वो अपने प्रे को स्वैलो कर लेता है पूरा का पूरा डैश 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 फ्लिक आउट देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग्स टू कैच इट्स स्प्रे कौन-कौन से होते हैं वो फ्रॉग नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ में फ्रॉग के बाद हम फिल करेंगे लिजर्ड एंड चामेलियन बटरफ्लाई सी मैच दी कॉलम इसमें हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है फर्स्ट इज स्नेक बच्चों स्नेक के नो चुइंग मैच करेंगे डी से काओ जो होता है ग्रास ईट करती है सेकेंड को मैच करेंगे ई e से लायन लायन जो होता है बच्चों ये फ्लैश ईटिंग एनिमल है थर्ड को मैच करेंगे बी से मस्किटो ब्लड सक करता है फोर्थ को मैच करेंगे सी से बियर जो होता है ओमनी वो प्लांट्स ऑफ फ्लैश ईट करता है फिफ्थ को मैच करेंगे ए से नाउ स्टूडेंट्स लेट्साइज दर्कल दन आउट अकॉर्डिंग टू दियर ईटिंग हैबिट्स यू कैन फाइंड दी ऑट वन कायन एंड डियर लायन जो है हमारा ये कार्डि है बियर बैट मंकी एंड हॉर्स बच्चों बियर जो है इसमें हमारा ओम है नेक्स्ट चीता कैमल हाइना एंड लायन बच्चों इसमें से कैमल क्या है इसमें डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है स्नेक रैबिट रैट एंड स्क्रल इसमें रैबिट रैट और स्क्वरल जो है ये हमारे नॉइंग फूड एनिमल्स हैं और स्नेक अलग है काओ हॉर्सो एंड फ्रॉक फ्रॉक की बच्चों लॉन्ग स्टिक टंग होती है ये अलग डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है Now, students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.